गरम जोशी से गले मिले दोनों नेता, भारत रूस की दोस्ती को मिलेगा 80 बिलियन डॉलर का बूस्टर डोज। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। एक दिन की भारत यात्रा पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट से पुतिन हैदराबाद हाउस पहुंचे, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। पुतिन और मोदी ने मीडिया की मौजूदगी में अपने बयान दिए। मोदी ने कहा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हमारा रक्षा सहयोग और हो रहा है। रक्षा और आर्थिक क्षेत्र में दोनों देश अहम सहयोगी हैं। कोरोना के खिलाफ भी सहयोग रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भी हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए हम बड़े विजन पर काम कर रहे हैं। हमने 2025 तक 30 बिलियन डॉलर ट्रेंड और 25 बिलियन डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखा है। पुतिन ने कहा कि हम भारत को एक महान शक्ति, भरोसेमंद दोस्त के रूप में देखते हैं। पुतिन ने कहा कि मुझे भारत का दौरा करके बहुत खुशी हो रही है। आपको बता दें, पिछले साल दोनों देशों के बीच ट्रेड में 17% की गिरावट हुई थी, लेकिन इस साल पहले 9 महीनों में ट्रेड में 38% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं मोदी ने कहा, हमारे बीच हुए विभिन्न समझौतों से इससे मदद मिलेगी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन से हमारा रक्षा सहयोग और मजबूत हो रहा है। मीडिया के सामने दिए बयान में पुतिन ने कहा, दोनों ही देश हर उस चीज पर नजर रख रहे हैं जिसका ताल्लुक आतंकवाद से है। आतंकवाद से जंग का मतलब है ड्रग स्मगलिंग और संगठित अपराध से लड़ना। यही वजह है कि अफगानिस्तान के हालात को लेकर हम दोनों देश फिक्रमंद हैं। मोदी और पुतिन की आखिरी मुलाकात 2 साल पहले ब्राजीलिया में ब्रिक्स समिट के दौरान हुई थी। इसके बाद पुतिन सिर्फ एक बार विदेश जिनेवा गए थे। वहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की थी। आपको बता दें, रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन की एक दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों देश ट्रेड, एनर्जी, कल्चर, डिफेंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करीब 10 समझौते कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर पर दुनिया की नजरें ज्यादा होंगी 2 समझौतों से। अमेरिका पहले ही कुछ परेशान है। ये है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और दूसरा है अमेठी की AK-203 राइफलों का प्रोडक्शन। यहाँ 7.5 लाख AK-203 राइफलें बनाई जानी है। दुनिया में पहली बार यह राइफलें रूस से बाहर बनाई जानी है। भारत और रूस के बीच जब S-400 पर समझौता हुआ तो अमेरिका इससे नाराज हो गया। उसने अपने स्पेशल एक्ट के जरिए भारत पर प्रतिबंधों की धमकी दी। हालांकि S-400 की डिलीवरी शुरू हो चुकी है और अमेरिका इस पर ज्यादा कुछ नहीं कर सका। माना जा रहा है कि भारत अब S-400 के साथ S-500 पर भी बातचीत कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका रिएक्शन का इंतजार रहेगा। भारत ने अब तक सिर्फ 3 देशों के साथ 2+2 बातचीत की है। ये है हमारे क्वाड पार्टनर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इस लिस्ट में रूस के शामिल होने से अमेरिका की खुशी तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि भारत और रूस पहले ही कई दशक से डिफेंस पार्टनर हैं। क्वाड को लेकर रूस की अपनी आपत्तियां हैं और वो इसे पूरी तरह से अमेरिका को ध्यान में रख कर देखता है। जाहिर है कि भारत की इसमें मौजूदगी से रूस खुश नहीं है। मोदी और पुतिन की बातचीत के दौरान यह मुद्दा उठ सकता है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि क्वाड के 4 देशों के बीच इश्यू बेस्ड यानी मुद्दों पर आधारित सहयोग है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पुतिन कुछ घंटों के लिए ही भारत आ रहे हैं। हालांकि भारतीय और रूसी विदेश मंत्रालय का कहना है कि यात्रा छोटी होने से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी सेक्टर में दोनों देशों के बीच अभी 30 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। 2025 तक इसे 50 बिलियन डॉलर तक करने का प्लान है। मोदी 2019 में रूस गए थे। इस दौरान 10,300 किलोमीटर के चेन्नई व्लादिवोस्तोक सी रूट पर बातचीत हुई थी। अगर इस पर समझौता होता है तो दोनों ओर के शिप्स को एक दूसरे के यहां पहुंचने 24 से 40 दिन कम लगेंगे। कोविड के दौर में पुतिन की यह सिर्फ दूसरी विदेश यात्रा है। उनके विदेश और रक्षा मंत्री एक दिन पहले भारत पहुंच चुके हैं। पुतिन ने 2019 में मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू से सम्मानित किया था। मोदी यह सम्मान पाने वाले अकेले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।